नमस्ते दोस्तों। तो आज हमारे यहाँ कुक नहीं आई थी, तो मैंने एकदम प्लेन खाना बनाया, क्योंकि नवरात्र में अनियन गार्लिक तो यूज़ करना नहीं है। तो ये देखिए, मैंने अरहर की दाल बैठा दी, उसमें बस हल्दी नमक डाला है। और ये सुबह में मम्मी ने लौकी काट के रख दिया था, तो इसका भी मैं प्लेन सब्ज़ी बनाऊंगी। तो इसके लिए मैंने कढ़ाई गैस पे रख दी, और इसके बाद मैं मस्टर्ड ऑयल डालूंगी थोड़ा सा, और मस्टर्ड सीड भी डालूंगी येलो वाली। और जब ये जल जाए चौका, मतलब अच्छे से हो जाए, और लाल मिर्च है दो, साथ में थोड़ा सा ज़ीरा है, तो हो जाए, तो फिर मैं लौकी डालूंगी, और लौकी डाल के इसको नमक डाल के ढक दूंगी फिर। और ये देखिए, भिंडी भी कट किया हुआ था मम्मी ने, तो मैं भिंडी फ्राई भी बना रही हूँ बिना प्याज लहसुन वाली। तो देखिए, ये मैंने नमक डाला, ऊपर से हल्दी, और सारे मसाले डालूंगी। अभी जो मैं मसाले डालूंगी वो सारे मिक्स्ड हैं, ज़ीरा, पेपर और धनिया, ये सारे मिक्स्ड हैं। ये डाला मैंने अभी 1 स्पून के करीब, और उसके बाद ये डाल रही हूँ थोड़ा सा चिल्ली पाउडर, और उसके बाद मैं डालूंगी ये चाट मसाला, और फिर इसको मैं मतलब मिला दूंगी, और 2 मिनट के लिए कवर कर दूंगी ताकि मसाला अंदर चला जाए। और उसके बाद मैं ऑयल ले ली हूँ एक पैन में इसको बनाने के लिए। ये रहा ऑयल, थोड़ा ही लिया है मैंने, और देखिए अभी मैं डाल रही हूँ। और ये बहुत अच्छी बनती है फ्रेंड्स, एकदम क्रिस्पी भिंडी। और अगर आपको एक आप एकदम प्लेन तरीके से भी बना सकते हैं। एक बाउल में आप थोड़ा सा पानी लीजिए, उसमें हल्दी नमक डाल के और उसमें भिंडी जस्ट डिप करके और फ्राई कीजिए, वो भी बहुत टेस्टी रहती है, ये भी अच्छी रहती है। तो ऐसा नहीं है कि मतलब अनियन गार्लिक के बिना खाना नहीं अच्छा लगता, ठीक लगेगा आपको, एक बार ऐसे ट्राई कीजिए। तो ये मेरी भिंडी फ्राई हो रही है, मैं इसको कवर कर करके पका रही हूँ ताकि पक जाए अच्छे से मसाले इसके अंदर के। और इधर मेरी लौकी भी हो रही थी, तो लौकी जब हो जाएगी, ऑलमोस्ट हो जाएगी, तो लास्ट में मैं बस थोड़ा सा हल्दी डाल के उसको फिर से ये अनकवर करके पका लूँगी। और इसमें मैंने कोई मसाले नहीं डाले, ये छौंकी सब्जी है। तो ये देखिए, मैंने हल्दी जैसा कि बोला था वैसे मैंने डाल दिया, और फिर मैं यहाँ पे मिला रही हूँ और थोड़ा सा फ्राई करूँगी हाई फ्लेम पे। और ये मेरी भिंडी ऑलमोस्ट हो गई है, देखिए आप कितनी अच्छी दिख रही है। और ये मेरा लौकी भी हो गया। इधर मैं रायते के लिए खीरा और कैरेट ये कर ली हूँ, ग्रेट कर ली हूँ। और थोड़ा सा अभी मैंने देखा फ्रिज में तो परवल थी, वो भी सूख रही थी, तो मैंने सोचा कि चलो उसे भी फ्राई कर देती हूँ। उसके पहले मैंने मिर्च निकाल लिया था थोड़ा सा, उसको फ्राई करके, क्योंकि जब कुछ खाने में ये सब नहीं रहता तो मिर्च अच्छा लगता है। उस पर आप नमक, नींबू